Hello friends, let us understand what is completing the analogous pair. In analogous pair, we will be given two pair of words. The first pair will consist of two words. इसमें हमने दो words का relation देखना है. उस दो words के हैसियत से, we have to see the second pair's relation. In the second pair, we will be having one word and we will be asked to find out what is the second word. So let us see the definition of completing the analogous pair. The definition says that in these type of questions, two words are given. The words are related to each other in some or the other way. We are required to find the relationship between the two words and choose the options which bears the same relationship. So students, let us start with the MCQs. The first question says that choose the best alternative from the given pair. Race is related to fatigue, hence fast is related to what? Ab students, hum dekhte hain first do words ya first pair ka relationship. First pair kehta hai रेस इज रिलेटेड टू फटीग. जब मैं रेस में दौड़ता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे थकान महसूस होती है. थकान को हम इंग्लिश में कहते हैं फटीग. तो फर्स्ट वर्ड इज रिलेटेड टू सेकेंड. सेकेंड पैर कहता है फास्ट इज रिलेटेड टू वॉट. तो देखते हैं ऑप्शंस. ऑप्शन ए कहता है फूड, ऑप्शन बी कहता है एपेटाइट, ऑप्शन सी कहता है हंगर एंड ऑप्शन डी कहता है वीकनेस. तो अगर मैं रिलेशन देखूं फर्स्ट एंड सेकंड का, तो जब मैं फास्ट की बात करूं तो जाहिर सी बात है ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, विच इज नथिंग बट हंगर. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, विच इज हंगर. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट MCQ. Second MCQ says that rat is related to cat, hence worm is related to what? When I talk about rat and cat, there is a small relationship. Cat is eating rat. So the second is eating the first. So in the second pair, which is worm is related to what? Let us check the answers. सो आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ कि कैट जो बिल्ली है वो खाती है रैट विच इज चूहा. तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूँ तो फिश क्या वर्म को खाता है? नहीं खाता. अर्थ वर्म को डेफिनेटली नहीं खा सकता. ऑप्शन सी इज बर्ड एंड ऑप्शन डी इज सिल्क. तो आई कैन डेफिनेटली से फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशनशिप कि बर्ड ईट्स worms. Hence, I can say that option C is the right answer. Let us check out the next MCQ. The question says that ship is related to sea and camel is related to what? So I know that the ship always sails in the sea. So I know that ship sails in the sea. तो हम कैमल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? क्या हम कैमल का इस्तेमाल लैंड पे करते हैं? कर सकते हैं, बट अगर मैं ऑप्शन डी देखूं विच इज डेजर्ट, उसका अप्रोप्रिएट यूज होता है डेजर्ट में. कैमल का अप्रोप्रिएट यूज हम डेजर्ट्स में ज्यादा करते हैं. अगर मैं ऑप्शन ए बी और सी देखूं तो वो ऑप्शंस हम यूज तो करते ही है, बट अगर मैं कैमल की बात करूं तो कैमल it is used more appropriately in deserts. So the answer to this option is option D, which is desert. Let's look at the next MCQ. The question says mountain is related to valley, thus genius is related to what? Let's see the first pair. It says that mountain
is related to valley. Now, if I talk about mountain, mountains are having great heights. एंड अगर मैं वैली की बात करूं या तो हिंदी में हम इसे खाई भी कह सकते हैं तो वैली इज हैविंग अ ग्रेट डेप्थ. तो अगर मैं हाइट एंड डेप्थ की बात करूं ये दोनों ऑपोजिट्स या एंटोनिम्स हम इसे कह सकते हैं. तो व्हाट आई एम डूइंग इज इन पैर ए या तो मैं फर्स्ट पैर में हम ऑपोजिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो देखते हैं सेकेंड पैर को. सेकेंड पैर का फर्स्ट वर्ड है जीनियस. तो जीनियस का ऑपोजिट क्या हुआ, लेट्स चेक इट आउट. इज इट ए ब्रेन? नो, आई कैनॉट से दैट द ऑपोजिट ऑफ जीनियस इज ब्रेन. सेकेंड वर्ड इज इडियट. थर्ड वर्ड इज थिंक एंड फोर्थ वर्ड इज इंटेलिजेंस. तो इफ आई लुक एट बी सी एंड डी वी कैन डेफिनेटली से दैट द ऑपोजिट ऑफ जीनियस इज इडियट. ऑपोजिट्स को मैं एंटोनिम्स भी कह सकता हूं. लेट्स सी द नेक्स्ट एमसीक्यू. आई इज रिलेटेड टू विंक, हेंस हार्ट इज रिलेटेड टू वॉट. अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यू को हम ध्यान से देखते हैं. फर्स्ट कहता है कि आई इज रिलेटेड टू विंक. तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या बन रहा है, यहाँ पे आई और विंक का रिलेशनशिप जो है वो है मूवमेंट का. तो जाहिर सी बात है आई के मूवमेंट्स को हम विंकिंग कहते हैं. तो हार्ट के मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, लेट्स चेक द ऑप्शंस. ऑप्शन ए इज मूव. मैं ये कह सकता हूं कि हार्ट कभी मूव नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हुआ. ऑप्शन बी इज थ्रोबिंग, ऑप्शन सी इज पंपिंग एंड ऑप्शन डी इज क्विवर. तो अगर मैं बी सी एंड डी को ध्यान से देखूं तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हार्ट का मूवमेंट क्या होता है, हार्ट का मूवमेंट होता है थ्रोबिंग, THROB, विच इज कॉल्ड एज थ्रोब. सो हार्ट के मूवमेंट को हम कहते हैं थ्रोब या थ्रोबिंग. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अगर आप ऑप्शन सी देखोगे तो हार्ट का मूवमेंट इज नॉट पंपिंग, हार्ट थ्रोब होता है, उस मूवमेंट को हम थ्रोबिंग कहते हैं. और अगर मैं पंपिंग की बात करूं तो ब्लड पंप होता है. तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बी एंड सी. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर. एराटा इज रिलेटेड टू बुक्स, हेंस फ्लॉज आर रिलेटेड टू व्हाट. एराटा ये जो वर्ड है उसका मतलब होता है मिस्टेक्स. तो बुक्स में अगर कोई भी मिस्टेक्स हो तो हम उसे कहते हैं एराटा. तो चलिए देखते हैं फ्लॉज का रिलेटेड वर्ड क्या है. A is manuscripts, B is metals, C is speech and D is charter. तो अगर मैं flaws की बात करूं, हमेशा मैं flaws को relate करता हूं the word metals से. Metals में अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो हम उसे कहते हैं flaws. So the answer to this question is option B, which is metals. नेक्स्ट एमसीक्यू सेज कोहेरेंट इज रिलेटेड टू कंसिस्टेंट, हेंस इरेट इज रिलेटेड टू व्हाट. स्टूडेंट्स फर्स्ट पेयर का रिलेशन देखते हैं. फर्स्ट पेयर कहता है कोहेरेंट इज रिलेटेड टू कंसिस्टेंट. तो कोहेरेंट एंड कंसिस्टेंट दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, या तो हम इसे सिनोनिम्स भी कह सकते हैं. तो
अगर हम फर्स्ट पेयर देखें विच इज कोहेरेंट एंड कंसिस्टेंट, ये दोनों वर्ड जो है ये सिमिलर वर्ड्स है या हम इसे सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। तो अभी मुझे आइरेट या इरेट ये जो वर्ड है इसका सिमिलर वर्ड या सिनोनिम ढूंढना है। तो इफ़ आई लुक एट ऑप्शन ए विच इज़ नथिंग बट एंग्री, तो इरेट का मतलब होता है एंग्री होना। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एंग्री, क्योंकि इरेट या आइरेट का जो सिनोनिम वर्ड होता है वो होता है एंग्री। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इट सेज दैट सेडेटिव इज रिलेटेड टू पेन, सॉलेस इज रिलेटेड टू व्हाट। अब देखते हैं रिलेशन फर्स्ट पेयर का। फर्स्ट पेयर कहता है सेडेटिव मतलब मेडिसिन, एंड पेन का मतलब होता है दर्द। तो जब मैं सेडेटिव्स लेता हूँ या जब मैं मेडिसिन्स लेता हूँ तो मेरा पेन जो होता है वो कम होता है। तो आई कैन से दैट व्हेन आई एम गोइंग फॉर सेडेटिव्स माय पेन इज गेटिंग लेस। तो चलिए देखते हैं सेकंड पेयर का रिलेशन। सॉलेस का मतलब होता है कंफर्ट। तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं, ऑप्शन ए कहता है इरिटेशन, ऑप्शन बी कहता है किल, ऑप्शन सी कहता है ग्रीफ, एंड ऑप्शन डी कहता है हर्ट। तो अगर मैं फर्स्ट का रिलेशन देखूं, तो जाहिर सी बात है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी विच इज ग्रीफ। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी विच इज ग्रीफ। तो व्हाट इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस? Let's see the MCQs. Is it love? I cannot say that. Option B is dance. Option C is cry. And option D is birth. So I can say that the first relation is giving the second relation, which is nothing but birth. जब किसी का जन्म होता है तो हमें खुशी होती है. Hence, the answer to this question is option D, which is birth. Let's see the next MCQ. Calendar is related to dates. Thus, dictionary is related to what? अब कैलेंडर में होता क्या है? कैलेंडर में हमें डेट्स मिलते हैं, स्पेसिफिक डेट्स मिलते हैं. तो डिक्शनरी में हमें क्या मिलता है? क्या हमें वोकैबुलरी मिलती है? क्या हमें लैंग्वेज मिलता है? या इज इट सी वर्ड्स और इज इट डी बुक? इफ़ यू लुक एट द फोर ऑप्शंस, वी कैन डेफिनेटली से दैट वी गेट words in dictionary. The relation is same as the first relation, which is calendar is related to dates, thus dictionary is related to words. Thank you for watching this video. Stay tuned to Informatica and do subscribe our channel.